गुड मॉर्निंग। उसना भी है सोलह पॉइंट चार उसनगा यह है दस से भी विद्या की दस से भी त्रिज्या की धातु के गोले से धातु के गोले से समान त्रिज्या के समान त्रिज्या के आठ गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने आर क्यूब इज इक्वल टू
125 आएगी। आर क्यूब इज इक्वल टू 125 किसका घन है? 5 का। क्यों? 5 × 5 × 5 अच्छा 25 जो 125। तो आर इज इक्वल टू 5। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आई? 5 सेमी। जब छोटे गोले की त्रिज्या 5 सेमी आ गई तो अपने को छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छोटे गोले का गोले का
इसकी क्षेत्रफल क्या होता है? फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर। इस कितना दे रखा है अपने को? 5544। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? कैसे किया इसको बराबर? उसमें कहता है अपने प्रश्न आर स्क्वायर जी को 5544 बट्टा 4 गुना 22 साथ में चले गए। अब कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना?
अब है प्रश्न नंबर 10। एक शीशे के ठोस ठोस आयत हल्की की मां आयत हल्की की मां आयत हल्की की मां कितनी है? 66 सेमी 42 सेमी 21 सेमी एक शीशे की दो सारी तरीके की अपने को माप दे रखिए, याद कीजिए इसको पिघलाकर ज्ञात करो इसे पिघला कर इससे 4.2 सेमी राशि इससे 4.2 सेमी राशि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? एक आयत हल्की जिसकी मां दे रखी है ना, और इसको पिघला कर इतनी सेमी व्यास की गोलियां बनाई, तो एक गोली की त्रिज्या कितनी होगी? गोली की त्रिज्या 4.2 / 2 = 2.1 सेमी। अब अपने मान लिया कि माना है गोलियां बनाई जस्ट, ये कहता है ना कितनी गोलियां, तो अपन मान लेंगे माना है गोलियां इससे क्या करें, माना है गोलियां बनाई जा सकती है, तो इसका एक कितना हो गया प्रश्नानुसार 8 क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 66 × 42 × 21 = एन गोलियां, एक गोली का 4/3 पाई का मान 22/7 आज कितनी 2.1 × 2.1 × 2.1 एन गोलियों का आयतन आयत हल्की के आयतन के बराबर होगा। अब अपने गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं, गोली संख्या क्या करनी थी उसको अपन ने मान लिया, और आयत हल्की का आयतन एन गोलियों के आयतन के बराबर होगा, तो एन इजी
66 इंटू 42 इंटू बटा 4 तीन ऊपर चलेंगे गुणा 22 सात ऊपर चलेंगे गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 अब ये 1500 गुणे अंक से बना सकते हैं।